हेलो दोस्तों, ये है पबजी लाइट और मैं खेल रहा हूँ आर्केड मोड। और मैं थोड़ा सा नोब हूँ दोस्तों, प्रोन नहीं हूँ। तो देखे हमारा गेम प्ले हम कैसे खेलते हैं। नोब की तरह तो नहीं खेलेंगे। अभी हमने 3 किल किए हैं, लेकिन 3 किल का तो पता नहीं कुछ यार। इधर का एक बंदा मैंने मारा था, लेकिन वो तो मर चुका है अब। डेड उसका डेड बॉडी हम तो देखने को नहीं चलेंगे उसका, क्योंकि वो तो आसमान में चला गया होगा प्लेन को देखने के लिए दोस्तों। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं बहुत दिनों के बाद दोस्तों गेम प्ले कोई तो डाल रहा हूँ, और एक नोब वाला गेम प्ले है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो हंस हंस के आप थोड़ा पागल भी हो सकते हैं। ये आया है समुद्र किनारे, उसको ढूंढने कोई बंदा दिखता है क्या? लेकिन उसको तो कोई बंदा दिखा नहीं, नदी किनारे या समुद्र किनारे। तो ड्रॉप को स्नाइप भी कर रहा है दोस्तों। ये तो पबजी लाइट वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये पबजी लाइट वाला है, तो पट्टा से हेडशॉट तो नहीं मारेगा, क्योंकि ये तो नोब है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो नोबड़ी कैसे खेलते हैं आपको पता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई तो उसको फायरिंग की आवाज़ आ रही। तो 4 नंबर वाला था वो, हमारा ही प्लेयर था। तो 1 नंबर वाले को किसी ने पट्टा से हेडशॉट दिया दोस्तों, तो वैसे भी वो नॉक हो चुका था। लेकिन वो कहाँ से मारा था मुझे तो नहीं दिख रहा था, और 4 नंबर वाले को भी नॉक किया था उसने। तो इस घर में था देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं। लेकिन उस दोस्तों उस घर में उसका एंगल नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक से एंगल ही नहीं मिल रहा था दोस्तों। नोबड़े प्लेयर हूँ मैं, इसलिए आपको तो पता है कि हमको खेलना आता नहीं। तो मुझको भी उसने पट्टा से हेडशॉट दिया दोस्तों, तो हेलमेट ही उड़ गया मेरा लेवल 1 का, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। उसने तो मेरे टीममेट को पहले नॉक किया था पट्टा से हेडशॉट लगा के। तो तुम मुझे बचाने नहीं आ सकते, तो तुम्हें मरने वाला हो दोस्तों। तो कोई तो आके मुझे बचाए, शायद भगवान ही बचाए मुझे, भगवान का तो पता नहीं। लेकिन फिर से मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं आर्केड मोड खेल रहा हूँ दोस्तों, वो भी पबजी मोबाइल लाइट में। तो दोस्तों ये देख सकते कि किसी और का गेम प्ले, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा था उसको। तो ये देखो नोबड़ी आ चुका है, तो नोब तो कूद लगाई उसने प्लेन से। तो जाएगा किधर ऐसा सोच कर है, चल रहा है सर्कल के बाहर जाने की एक बार सोची थी उसने, लेकिन वो नहीं जा पाया दोस्तों, क्योंकि उसको मैंने रोका। उस घर पे तो नहीं चढ़ पाया वो इधर दोस्तों, लगता है तो मुझे इधर ही है वो, क्योंकि वहाँ से उसके निशान आ रहे थे दोस्तों पुरान तत्व काल के। वो भी काल था उधर, इधर से दोस्तों वो मार रहा था सबको इस घर से। तो उस घर को नोबड़ी क्या करेगा, आप स्नाइप करेगा दोस्तों। तो कैसे स्नाइप करते हैं आप देखते रहो कि कैसे स्नाइप करता है सबको। तो आप देखते ही रहो सिर्फ, वो बाकी कुछ मत करो। इधर कुछ तो दिखा उसको, तो उसने पहला शॉट लगाया तो नहीं मारा, क्योंकि 10 फुट बाद गोली गई और एक पट्टा से हेडशॉट से वो मर गया, क्योंकि वो एक ही जगह पे खड़ा था, नहीं तो उसको भी वो मार नहीं सकता था। और एक दोस्तों उसको परेशान कर रहा था इस घर वाला बंदा, तो उसको तो मिला नहीं। तो वो और भी एक घर है उधर चल रहा है, क्योंकि उस उधर उसको निशान दिख रहे मैप पे। तो उधर ही जाने के लिए तैयार है दोस्तों, अपनी सेना लेके जा रहे है। लेकिन उसको फिर से इधर से निशान दिखे, तो उधर वो घूम भी चुका है। अपनी सेना वहीं पे रुका दी, और इधर एक बंदा दिखा, तो ज़्यादा बंदा हिल रहा था, तो उसको थोड़ा एम लगाने के लिए मुश्किल हो रही थी देख सकते हैं आप। लेकिन वो एम नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि वो हिल डुल रहा है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, तो एम तो नहीं लगा पा रहा है। आप देखिए कि कैसा नो प्लेयर है वो, थोड़ा सा भी उसको एंगल नहीं मिल रहा था, उसको कहीं भी अभी बंदा ही नहीं दिख रहा था। उसको लग रहा था कि वो छलांग लगा के तो चला नहीं गया, लेकिन वो छलांग लगा के तो दोस्तों नहीं चका गया होगा, क्योंकि इधर उसको एक बहुत अच्छा एंगल मिल रहा है सबका, सबके घरों का। तो उधर ही रुका है, देखिए उधर ही वो दोस्तों। तो उधर से वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन उसको कहाँ पता है हम उधर उसको ही एम करें। लेकिन ये प्लेयर हमारा नोब है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद खेल रहा है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा एम लगाने के लिए मुश्किलें झेलने पड़ रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीपीएन वगैरह ट्राई करके वो नोब हमारा खेल रहा है।
तो उसको आप देख सकते कि कैसे वो खेल पा रहा है उसको। उधर तो उसको कुछ भी यार समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन उसका ठीक से एंगल ही नहीं मिल रहा था। कभी मिलता है तो कभी नहीं, और कभी मिल जाता है तो उसको उसी पर वो आसानी से नेम नहीं लगा सकता। वो टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी शॉट देना नहीं चाहता है, क्योंकि हेड शॉट देना चाहता है, लेकिन हेड शॉट तो उसका बस ही नहीं रहा है दोस्तों, उसका लग नहीं रहा है। हेड शॉट देख सकते हैं कि कितने बार दोस्तों उसने हेड पे शॉट लगाया है, लेकिन वो नहीं लगा पा रहा है शॉट। हेड शॉट बॉडी शॉट तो मेरे ख्याल से उसने ट्राई करना चाहिए, लेकिन बॉडी शॉट भी ट्राई नहीं कर रहा है। कितने बार दोस्तों वो उसके एम के सामने था बिल्कुल, और हेड शॉट के लिए भी तैयार था, लेकिन वो ही ये देख सकते हैं आप कि स्क्रीन पर कैसे वो हेड शॉट लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो हेड शॉट ही नहीं लगा रहा है। तो देख सके अभी वो एंगल फिर से चेंज किया, उसको पता है लगता है मुझे कि वो तो हैकर नहीं होगा, उसको पता ही होगा कि हम पर लेज़र आ रहा है किसी का। तो लेज़र तो नहीं होता है दोस्तों, वो तो मजाक था, तो लेज़र तो इसमें नहीं है। तो उसको कैसे पता चल रहा है कि मैं उधर एम लगा रहा हूँ? बहुत बार दोस्तों हिलडुल रहा है, तो वो बहुत सारा वेस्ट गया टाइम, इसलिए उसने बॉडी शॉट ही लगा दिया। इतना वेस्ट टाइम गया दोस्तों इसमें एम लगाने में, बल्कि उधर 10 आदमी को मार सकता था, इस एक आदमी को मारने के लिए एम लगाया उसने। वो हमारा नोबड़ी दोस्तों एक को एम लगाने के बारे में दोस्तों 10 आदमी को मार सकता था, लेकिन वो दोस्तों मार नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों नहीं मार पाया क्योंकि उधर एक आदमी उसको दिखा था, तो वो सबको ही मार डाल रहा था थोड़ी थोड़ी वक्त के बाद। तो उसको उसने पहले ख़त्म किया, क्योंकि वो हमारे टीममेट को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, हेडशॉट लगा के पीट रहा था दोस्तों। लेकिन आवर टीम रैंक 1 में है अभी भी, आप देखो स्क्रीन पे कि अभी भी 1 नंबर पे है हमारी टीम दोस्तों। तो वहाँ किसी को हलचल दिखी तो 1 नंबर हो रहा था, तो एक शॉट उसको भी डराने के लिए लगा दिया उसने, क्योंकि नोबड़ी प्लेयर है दोस्तों, आप तो समझ ही पाएंगे। तो ये हमारा नोबड़ी का पार्ट होने, नोबड़ी का पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। और आर्केड मोड पे लाओ या किस पर लाओ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आपका एक भी कमेंट आया दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको क्या करूँगा, सिंपली और सिंपली उसी पर ही वीडियो में बनाऊँगा आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों नोबड़ी हमारा इधर से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, और छलांग तो लगा ली उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दोस्तों, और इधर उधर एनिमी को ढूंढ रहा है, एनिमी तो नहीं मिल रहे, इसलिए वो जा रहा है ड्रॉप लूटने। कोई 3 लेवल का वेस्ट है, हेलमेट मिलता है क्या देखने के लिए, लेकिन वो भागते भागते जा रहा है दोस्तों, ये भाग मिलकर भाग जैसा ही है, लेकिन वो तो दौड़ने वाला नहीं है बंदा हमारा, हमारा तो प्लेयर नोब है दोस्तों। तो वहाँ पे देख रहा है कि कोई है क्या पहले से, लेकिन हमारे ही बंदे थे, इसलिए वो थोड़ा सा सावध हो गया और बेफिक्रदगी तरफ से चला जा रहा है दोस्तों भागते हुए। ऐसे भाग रहा है जैसे मिल्खा की जैसे भाग रहा है, और रेस यही जीतेगा। वहाँ पे आया तो उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, मुझे पता है पहले से लुटा रहे, तो यहाँ पे तो उसने पहले ही लुटा था 3 नंबर वाले ने। तो इधर आया इस ड्रॉप में तो कुछ तो मिलेगा, क्योंकि उधर साहित्य नहीं पड़ा था, बाहर सामान नहीं पड़ा था, तो यहाँ से उसने ऑग लुटा लिया और कार्नाइटेड को ये पे डाल लिया, क्योंकि वो दोस्तों शॉर्ट रेंज में बहुत अच्छी पड़ती है, लॉन्ग रेंज में तो कार्नाइटेड तो है ही मेरे पास, तो शॉर्ट रेंज के लिए उसने लिए ऑग। ये तो मुझे नोबड़े वाला काम नहीं लगा उसका, ये मुझे तो प्रो वाला काम लगा उसका। नोबड़े क्या करते हैं दोस्तों आपको पता है, ये क्या कर रहा है आप देख लीजिए, और एक उसको ड्रॉप दिखा दोस्तों उसके सामने पड़ा था, लेकिन इधर से उसको निशान दिख रहे थे मैप पे, देख रहा था कि कोई है क्या, लेकिन इधर तो उसको कोई दिखने वाला नहीं है दोस्तों, ऐसा तो मुझे लगता है। और इधर है कोई तो उसको मारेगा पहले, और वो देखेगा बाद में उसको, तो वो ड्रॉप लुटने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसको उधर से भी कोई तो निशान आ रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को हमारे, और मैंने एक बायोग्राफी का भी चैनल बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दिए दोस्तों। तो हमारा चैनल बायोग्राफी का है दोस्त, स्टार बायोग्राफी हमारे चैनल का नाम है, तो दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।